हेलो डिजाइनर, आज हम एक नया पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं। अजय सोनी भाई करके हमारे गेस्ट है, ओके, जो कि बेंगलोर बेस्ड कंपनी में काम करते हैं एज अ यूएक्स इंजीनियर। उनका लाइक 5 ईयर का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है वहाँ पे, लाइक हो गया लास्ट ईयर से वो बेंगलोर में काम कर रहे हैं, 1 ईयर से पहले वो नोएडा पे काम करते थे। तो आज का पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक होने वाला है कि जो कि कोई बिगनर डिजाइनर अगर यूएक्स डिजाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या रोड मैप होगा जो भी लाइक स्टूडेंट है उनके लिए। और दूसरा टॉपिक हमारा ये होने वाला है कि हम अगर बेंगलोर में जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई लाइक जूनियर लेवल का डिजाइनर Tier 3 Tier 2 सिटी से जा रहा है, तो वहाँ पे बेंगलोर में जाने में क्या क्या दिक्कत आने वाली है, वहाँ पे जाओगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आएगी, वो सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले, ताकि आप आगे से प्रिपेयर हो जाओ। और सैलरी के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कस करने वाले हैं कि वहाँ का क्या रेंज होती है सैलरी की एज ए एक्सपीरियंस डिजाइनर, एज ए जूनियर डिजाइनर। इन कुछ चीज़ों के बारे में ऐसी भी बात की होगी जो कि आपको कुछ पता भी नहीं होगी कि वहाँ का वर्क कल्चर किस हिसाब से होता है, वहाँ के लाइफस्टाइल किस हिसाब से होता है, वहाँ का खाना किस हिसाब से होता है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की हुई इस पॉडकास्ट में, तो ये पॉडकास्ट को ज़रूर पूरा देखिए एंड आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। एंड शुरुआत करने से पहले गाइस, मैं आपको बता दूं कि यह पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगे तो इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, हमारा पहला पॉडकास्ट इस चैनल पे, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ऑल्सो कर दीजिए, एंड उससे भी बढ़िया लगे आपको तो इस पॉडकास्ट को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। क्या चल रहा है जय भाई? सब बढ़िया चल रहा है भाई। सो अभी लाइक मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो लाइक हम व्यूअर को लाइक प्रॉपरली आपकी जर्नी के साथ लेके जाएंगे, तो उस हिसाब से हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है। सो कब आपने अपना करियर की स्टार्ट की एंड किस हिसाब से आपने सब बेंगलोर में जाके आप अभी UI/UX डिजाइनिंग पे काम कर रहे हो, थोड़ा बताओ। ओके, तो मेरा कैसे था कि मैंने ना पहले अपना इंजीनियरिंग किया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से, ठीक है। देन इंजीनियरिंग में कैसे हुआ कि अब बहुत सारी चीज़ें आती रहती है कि आप कोडिंग भी कर रहे हो, साथ साथ आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते रहते हो, ठीक है, तो वो सब ना चलता रहता था ऐसे ही। अब उसमें क्या हुआ कि जब मैं मेरा इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा था सब, तो उसमें ना मेरे को इंटरेस्ट आया कि कैसे मैं फ्रीलांस कर सकता हूँ एंड कैसे मैं एक साइड इनकम जैसा जिसको अपन बोलते हैं, तो वो सब मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड साथ साथ फिर मैं मतलब ब्लॉगिंग भी करने लगा, वेबसाइट्स बनाने लगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई। एंड फिर मैंने सोचा कि यार मैं ना प्लेसमेंट्स नहीं लूँगा, मेरे कॉलेज से जो ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट्स जो मिलती है मैं वो नहीं लूँगा। एंड मेरे को लगा कि मैं ना आई थिंक आई कैन बी डूइंग यूट्यूब और समथिंग एज अ इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो मैंने फिर वो भी किया। एक साल मैंने फुल टाइम मैंने यूट्यूब भी किया था एंड उसके बाद फिर चीज़ें मतलब सही नहीं गई क्योंकि वहाँ से मेरे को पैसा नहीं आ रहा था एंड ऑफकोर्स पैसे आपको चाहिए होते हैं आपको घर चलाने के लिए। ये कब की बात कर रहे हो आप? ये बातें हैं अराउंड 2019। मैंने मतलब 2020 पास आउट हूँ मैं, सो उससे पहले ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया था। देन नवम्बर 2019 की बातें मैंने YouTube स्टार्ट करा था, उसे लेकर के मैंने 2020 तक थोड़ा कंटिन्यू करा। देन लेटर 2020 मैंने फिर मतलब उससे पहले मैं फ्रीलांस तो कर ही रहा था ऑफकोर्स, देन उसके बाद फिर मैंने मेरा एक्चुअल UI/UX डिजाइनिंग स्टार्ट करा। देन नोएडा से मैंने स्टार्ट करा, फिर मैं गुड़गांव में मैंने जॉब करी, उसके बाद फिर वापस नोएडा भी आया, उसके बाद वहाँ पर भी जॉब करी। देन आफ्टर नोएडा करंटली आई एम वर्किंग इन बेंगलोर एज अ UX इंजीनियर। अच्छा, लो लाइक आप बेसिकली तो आप हरियाणा से हो, राइट? हाँ, मैं तो अभी आप बेंगलोर में स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हो या फिर किसी लाइक MNC कंपनी में काम कर रहे हो? नहीं, अभी मैं एक काइंड ऑफ मिड साइज या मिड लेवल स्टार्टअप बोल सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा न्यू स्टार्टअप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टार्टअप भी नहीं है, बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 ईयर्स फॉर देम, सो वर्किंग। अच्छा, बढ़िया। सो एज अ UX इंजीनियर आपका लाइक वहाँ पे किस टाइप का रोल होता है, क्या क्या एक्टिविटीज आपको क्या क्या काम करना होता है? एज अ UX इंजीनियर मेरा मेनली जो काम है ना वो है कि कैसा होता है ना कि हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है, सो माय मेन गोल इज टू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस। मतलब कैसा है कि मेरी कंपनी B2B में डील करती है सारा,
हम एक कंपनी को किसी और हमारी कंपनी किसी और कंपनी को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है उनकी कंपनी को और अच्छा करने के लिए, राइट। सो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है, आईओटी प्रोडक्ट्स भी है, एंड आईओटी प्रोडक्ट्स है तो उसके साथ साथ उनके सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। सो उन सबको एनहेंस करना पड़ता है कि सामने वाला यूज़र कैसे सोचता होगा, टेस्टिंग्स कैसे होती है, एंड मतलब कौन कौन उसको यूज़र कौन कैसे कैसे यूज़र्स उसको यूज़ करेंगे। क्योंकि कैसा होता है ना कि जब हम बी टू बी में जाते हैं तो एक अच्छे बी टू बी में जाते हैं तो उसमें कैसा होता है कि हमारे पास हाई लेवल सीईओ से लेकर के बिल्कुल काइंड ऑफ स्टार्टिंग लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं वहाँ तक के हमारे पास यूज़र्स होते हैं। यू कैन से कि एक यूज़र है जिसको टेक्नोलॉजी का इतना सारा ज्ञान है, एक यूज़र है जिसको टेक्नोलॉजी का इतना सारा ज्ञान है, तो हमें वो लेवल पूरा मीट करके प्रोडक्ट बना करके देना होता है। सो लाइक सभी एज के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब यूज़ कर पाए, लाइक इस टाइप की प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, राइट? हाँ हाँ, मतलब एक्सेसिबिलिटी ईजी होना चाहिए सबके लिए, ईजी टू यूज़ होना चाहिए, राइट 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 राइट। सो लाइक अगर कोई लाइक स्मॉल सिटी से, टीयर थ्री सिटी से कोई बेंगलोर में आना चाहता है लाइक जॉब करने के लिए, तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि किस हिसाब से उनको फाइंड करनी चाहिए, क्या सुझाव रहेगा आपका? टॉप मतलब टॉप टीयर सिटीज़ में आई थिंक अभी तो बेंगलोर ही चल रहा है यार। इवन कि मैं खुद गुड़गांव और नोएडा में जॉब करने के बाद यहाँ आया हूँ। द थिंग इज़ लाइक आपको जॉब्स मिल जाएगी गुड़गांव एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, हर जगह, बट द प्रॉब्लम इज वहाँ पे ना आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाएगा जितना ज़्यादा पैसा आपको बैंगलोर में मान लो मिल सकता, वो इशू हो रहा था। सो उस चीज़ को फेस करते हुए मैं बैंगलोर आया हूँ, मतलब गुड़गांव से मैं बैंगलोर आया हूँ, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 to 8 months कि मैं बैंगलोर में काम कर रहा हूँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लाइक वहाँ पे? एक्सपीरियंस यार अब वही बात है, देखो एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड्स, ठीक है। सो यहाँ पे कैसा है कि थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि ठीक है, इफ़ आई एम अ नॉर्थ इंडियन गाय सो सबसे ज़्यादा इशू जो मेरे को तो वो खाने का होता है, ठीक है, कि मेरे को खाना थोड़ा सूट नहीं कर पाता, बट इधर उधर से थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं क्योंकि ऑफकोर्स भाई सर्वाइव करना, सो यू हैव टू बी जुगाड़ू, राइट। सो वो जुगाड़ वगैरह सब चल जाते हैं, बट ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना तो आई वुड लाइक टू से कि बैंगलोर में आने के बाद ना मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल ऑल्सो। यहाँ पे आकर के मैंने ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी जो मे बी मैं गुड़गांव में रह करके ना सीख पाता। मे बी आप बोल सकते हो कि ये एक काइंड ऑफ एक एनवायरनमेंट ही ऐसा बैंगलोर में, या आपको कलीग्स ऐसे मिले, कुछ भी बोल सकते हो, बट काइंड ऑफ इट्स गुड, इट्स लाइक एक्सपोजर सिटी वेयर यू कैन गेट मोस्ट ऑफ देम। फिर वो भी बात होती है कि लाइक वहाँ जहाँ पे आप थे वहाँ से यहाँ बेंगलोर में आओ तो थोड़ा कम्युनिकेशन का भी फर्क पड़ता है, एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती है। लाइक यहाँ पे जो काम होता है वो लाइक उस लेवल का होता है जो हमारे टीयर थ्री सिटी में आते हैं 2 साल लग जाते हैं, उतना एडवांस काम होता है, सारी चीज़ें होती है, राइट। वही होता है यार, मतलब कैसा था कि जब तक मैं गुड़गांव एनसीआर में काम कर रहा था सो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा मैंडेट नहीं था कि मेरे को इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना है, काइंड ऑफ मतलब फोर्स नहीं होता था कभी कि मेरे को फील नहीं होता कि भाई अब मेरे को इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है। बट बैंगलोर में आकर के सी देर इज ओनली वन कॉमन लैंग्वेज, दैट इज द इंग्लिश, राइट, यू हैव टू स्पीक। So, फिर आपका कल्चर भी उस टाइप का हो जाता है कि लाइक सब इंग्लिश बोल रहे तो ऑटोमेटिकली आपको आने ही लगती। वो ही है, वो फिर मतलब ऐसा ओड नहीं फील होता कि भाई ये तू अकेला अंग्रेज बना हुआ, बाकी सारे लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। गुड़गांव में थोड़ा वो सीन हो जाता था, बट यहाँ पे ठीक है कि अगर तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो सामने वाले में इंग्लिश में बात कर रहे हो, दैट डजंट फील ओड। सो लाइक अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट है अगर वो बेंगलोर आना चाहता है, राइट, तो उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए लाइक आपके मुताबिक कि फर्स्ट उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए? यार स्टूडेंट के लिए तो ऐसा है कि लाइक वो फ्रेशर ही, आप गिन लो कि कोई फ्रेशर ही, मान लो कि कोई जो जस्ट UI/UX डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया है, उनको लाइक बेंगलोर में ही स्टार्ट करना है अपना करियर, तो किस हिसाब से कर पाएगा? यार मैंने देखो बिल्कुल रियलिटी चेक बताता हूँ, अपना लिंक्डइन देखना कभी भी आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, फ्रेशर्स की जॉब एकदम नल होगी है, ठीक है, एक्सपीरियंस पीपल ही मांग रहे हैं सब जगह। हाँ, पहले एक्सपीरियंस मांग रहे हैं लिटरली। आप कभी भी देखना कोई भी जॉब पोस्ट आएगी, इवन की बिल्कुल फ्रेश स्टार्टअप की जॉब पोस्ट भी आती है ना, दे डोंट वांट इंटर्न्स, दे डोंट वांट
यूएक्स गाय विद ज़ीरो एक्सपीरियंस, सीधा मिनिमम 1 ईयर मांगते मांगते हैं, ठीक है, टिल द टाइम इट इज नॉट अ बिग एमएनसी. अभी भी एक ऐसा है कि बड़ी एमएनसी की जैसे हम बात करो ना, जैसे मे बी जो सर्विस बेस्ड जो कंपनी, जैसे बिग फोर में आ जाता है अपना, KPMG आ जाता है, FEY आ जाता है, एंड डिलोइट वगैरह ये सब है. तो इनमें कैसा है कि इनमें इंटर्नशिप्स अभी भी है फॉर फ्रेशर्स, दोज हु डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, एंड यू कैन से फॉर एन इंटर्न वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह निकलती रहती है. बट जो चीज़ें हैं जैसे गूगल्स वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और जो अच्छे जो स्टार्टअप्स है या मे बी मिड लेवल एमएनसीज जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे ना वो लोग इंटर्न्स ले ही नहीं रहे हैं, डायरेक्टली एक्सपीरियंस पीपल को ही फाइंड कर रहे हैं. एक्सपीरियंस मिनिमम एक साल का एक्सपीरियंस हो, सो देन दे कैन गेट यू टू द मे बी जूनियर यूएक्स डिजाइनर और मे बी असिस्टेंट जूनियर यूएक्स डिजाइनर, यू कैन गेट देयर. एंड मैं अभी ये प्रेफर करूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स है, सो ट्राई टू गेट अ जॉब फ्रॉम कैंपस ओनली, क्योंकि कैंपस में आज भी कंपनीज आ रही है टू हायर देम एज अ यूआई डिजाइनर, ठीक है, तो वो चीज़ें चल रही हैं. बट जब जैसे ही आप कॉलेज के बाहर आ जाओगे ना, तो वहाँ पे अगर आकर के आपको मेरे को नहीं लगता कि बहुत ईजिली जॉब मिल जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन ही भाई इतना ज़्यादा है ना, हद कॉम्पिटिशन है. आप बस ये मान के चलो कि मान लो आपने, अंकित भाई मान लो कि आपने यूआई यूएक्स में कोर्स करके आप जॉब लेने जा रहे हो आउट ऑफ कैंपस, ठीक है, बट ऑन द सेम साइड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने यूआई यूएक्स में कोर्स भी नहीं करा, अपनी डिग्री भी नहीं करी है, जिन्होंने मे बी मैकेनिकल में किया हो या किसी भी इलेक्ट्रिकल किसी भी चीज में किया हो, बट उन्होंने थोड़ा सा कोर्स वगैरह कर लिया, ठीक है, उन्होंने सारे भीड़ यहाँ पे आ रहे हैं, बेसिकली सारे भीड़ यहाँ पे आ रहे हैं, वो फिर सब इधर आते हैं, क्योंकि दे नो कि भाई उनके कोर्स से उनको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है. सो यूआई यूएक्स इज वन ऑफ द इजिएस्ट जॉब जो कि लोग बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली के साथ फटाफट कोर्स कर ले जो भी है तो इसमें जॉब मिल जाएगी. Only easiest part is a UI, UX not. नहीं भाई, UI भी बहुत लोगों को लगता है कि UI भी easiest है, नहीं होता भाई, लोगों की मतलब हालत खराब हो जाती है एक कलर पैलेट सेट करने में. जब कैसे होता है ना कि हम तो आजकल क्या करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, ड्रिबल से मैंने कोई डिजाइन उठाया, फटाफट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, हर जगह ऐसा काम नहीं होता भाई. जब तुम एक्चुअल में, जैसे मैंने अभी शुरू में एक वर्ड का नाम लिया था, एक्सेसिबिलिटी होती है अपनी, रीडेबिलिटी होती है, जब तुम एक्चुअल में प्रोडक्ट्स में जब चीज़ें डालने जाओगे ना, वो चीज़ें तुम बोलोगे कि भाई मेरे को एक एक नंबर से मतलब नंबर चेंज करने से ना पूरा फील चेंज हो जा रही है पूरे यूआई की. सो मतलब ऐसा नहीं कि यूआई बहुत ज़्यादा ईजी है, मे बी यू कैन से कि वायर फ्रेमिंग वगैरह ये सब थोड़ा इजी हो जाता है, फ्लो वगैरह बनाना इजी हो जाता है, बट जब तुम एक्चुअल यूआई में जाते हो ना, जहाँ पे तुम्हें इतने सारे कलर्स के साथ खेलना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे ह्यू सेचुरेशन थोड़ा सा चेंज करोगे तो तुम्हारा पूरा एक्सेंट ही चेंज हो जाए, तुम्हारा पूरा टेस्ट चेंज हो जा रहा कलर का. वो तो सही बात है कि कई जगह पे कलर की लाइक कई जगह पे कलर नहीं यूज करना होता, हम कलर यूज कर लेते हैं तो लाइक यूजर पे बैड इंप्रेशन पड़ता है कि वो कलर नहीं होना चाहिए वहाँ पे. ऑफ कोर्स आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई क्या चीज को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो, क्या चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो पूरे यूआई में. सो एवरीथिंग मैटर्स, यूआई भी इजी नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट मच इजी जितना बाहर से दिखता है कि ठीक है भाई डिजाइन है तो बनाना. सो लाइक आई थिंक हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टूडेंट को लाइक टीयर टू सिटी से स्टार्ट करना चाहिए कि वहाँ पे उनको उनके लेवल की जॉब मिले, फिर वो इम्प्रूव करते करते वो लाइक टीयर वन, लाइक जिस टाइप के बेंगलोर लेवल के सिटी है वहाँ पे आए, हैदराबाद है, उस टाइप के सिटी पे जाके जॉब करें. राइट, ऐसा ही अप्रोच है. हाँ, वो लोग कैसे कर सकते हैं ना कि वो सीधा स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई एक काम करते हैं कि कुछ सिटीज़ है, जैसे लखनऊ हो गया आपका, जयपुर हो गया, एंड चंडीगढ़ हो गया, देन दो तीन सिटीज़ और है. सो ये कुछ सिटीज़ है, इंदौर भी आप काउंट कर सकते हो. सो ये कुछ सिटीज़ है ना जो कि अभी ग्रो कर रही है टेक में, ठीक है, वहाँ पे ओपनिंग्स आ रही है. तो जैसे कि लेट्स से कि आपको बेंगलोर या गुड़गांव, दिल्ली, NCR में कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, तो आप इन सिटीज से ट्राई करो. गुजरात, अहमदाबाद में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको इंटर्न के लिए हायर कर सकती है, और मैंने देखा है दीज सिटीज आर ट्राइंग टू हायर इंटर्न, और सरकार भी वहाँ पे ना इन्वेस्ट कर रही है कि ठीक है भाई हम यहाँ पे भी टेक कंपनीज लेकर के आएंगे. क्योंकि मैं बताऊँ ना, बेंगलोर, ये हैदराबाद, जितने भी टेक सिटीज है, मेट्रो सिटीज जिनको हम बोलते हैं भाई, ये पूरा पैक्ड हो गया है, इनके पास अब जगह नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, अब दे डोंट हैव स्पेस, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी टू ग्रो मोर.
वो स्टेगनेंट हो चुका सब कुछ। अब जो बाकी जो अपकमिंग सिटीज है, इंदौर, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, ये सिटीज है जो कि ग्रो कर रही है, उसमें एकदम से मतलब काफ़ी अच्छा ये ग्रो करने वाले हैं। सो जो बिगिनर्स है, स्टूडेंट्स है, वो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और इजिली उनको जॉब भी मिल जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन कम है वहाँ पे। कॉम्पिटिशन कम है, सैलरी का भी होता है कि लाइक वहाँ पे थोड़ी कम सैलरी होती है, वहाँ की कंपनीज का बजट भी उतना लो होता है, तो हम वहाँ पे लाइक स्टूडेंट फिट हो जाते हैं वहाँ पे। लाइक इवन मैंने भी अपना लाइक करियर की शुरुआत वहाँ से ही की थी। लाइक मैं अहमदाबाद में 3-4 साल काम किया, फिर मैं हैदराबाद में गया, वहाँ पे 6-7 महीने काम किया, देन लाइक फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट की मैंने अपनी। ओके, नहीं सही है भाई, वही बात है, एटलीस्ट कुछ से स्टार्ट करो। अगर तुम सोचो ना कि भाई मैं डायरेक्ट गूगल में लग जाऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट में लग जाऊंगा, भाई फिर बैठे रहो भाई, कोई नहीं लेने वाला है। वो लोग तो लाइक डायरेक्टली ऐसा ही मांगते हैं कि लाइक आपने कहीं पे डिजाइनिंग की प्रॉपर स्टडी की होनी चाहिए, कहीं पे यूनिवर्सिटी कोर्स लिया होगा, उस टाइप की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो हम डायरेक्टली फील कर ही नहीं पाएंगे स्टूडेंट एज अ, नहीं कर पाते। सो लाइक वहाँ पे बेंगलोर में किस किस टाइप के ट्रेंड्स चलते हैं अभी, लाइक डिजाइनिंग ट्रेंड्स? ट्रेंड्स मतलब कि, हाँ बताओ, डिजाइन ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। बैंगलोर का तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बैंगलोर में डिजाइन ट्रेंड्स चलेंगे, बट मेरा तो जैसे मान लो मेरी कंपनी में कैसे कि मेरा B2B वाला काम होता है, तो मैं कुछ एकदम ही मैं इनोवेटिव डिजाइन नहीं करता कि कुछ ऐसे डिजाइन करते हैं जो एकदम ही तड़कता भड़कता हो, कुछ खतरनाक सब, राइट? क्योंकि B2B में क्या होता है, हम एंटरप्राइज डिजाइन बोलते हैं, या मे बी यू कैन से इंट्रानेट डिजाइन होते हैं। सो उसमें कैसा होता है ना कि हमें बेसिक्स पे ही हम काम करेंगे सारा, वी हैव सम डिजाइन कुछ इम्प्रूव करना है तो भी धीरे धीरे करेंगे कि लाइक एक साथ नहीं चेंज कर पाएंगे, नया ट्रेंड है उनको फॉलो करके, राइट? हाँ, मतलब बोल सकते हो। अब जैसे अपना कैसे होता है यार, दिखावे के लिए ना बहुत सारे डिजाइन ट्रेंड्स आते हैं कि बेंटो लेआउट है या लिक्विड ग्रेडिएंट्स है, ठीक है, एकदम मिनिमलिज्म। बीच में वो कोई नियोमॉर्फिज्म भी आया था, वो आके चला हाँ, भी गया। नियोमॉर्फिज्म है, ग्लास मॉर्फिज्म आया था, ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स आते रहते हैं, राइट? दीज ट्रेंड्स आर फॉर दोज हु आर कीप चेंजिंग देयर बिजनेस और कीप अपडेटिंग देयर बिजनेस, ठीक है, जिसको इसको एंड यूजर को अट्रैक्ट करने का, वो बिजनेसेस ये वाला डिजाइन ट्रेंड्स यूज करते हैं। बट हम क्या है, हमारा भाई देखो, हमें बिजनेस को ही अट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते कि भाई कुछ तड़कता भड़कता सा डिजाइन यूज कर लेंगे, सो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, कस्टमर बन जाएगा कोई भी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है कि भाई मेरे को जो सोल्यूशन चाहिए, मेरे को वो सिंपल शब्दों में बता दो, ये सोल्यूशन है सर, इतना पैसा लगे, काम खत्म। हाई पोस्ट मतलब प्रोफाइल्स होती है, दे डोंट केयर अबाउट योर डिजाइंस, दे डोंट केयर अबाउट योर वेबसाइट्स लेआउट एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो उनको मैटर करता है कि आपकी सर्विस क्या है, कितनी ऑप्टिमाइज सर्विस है, क्या कुछ कितने यूजर को इजी टू यूज करने में काम में आता है, बस उनका इतना सा मतलब है, आपने वो चीज क्रैक करा, दैट्स इट। और मेरे डिजाइंस में ऐसा कभी यूज नहीं होता कि मैं क्योंकि मेरा काम मोस्टली एडमिन पैनल्स पे रहता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे डैशबोर्ड्स है, हमें उस पर काम करना होता है। सो मेरा काम पूरा डिजाइन सिस्टम के अंदर ही रहता है। मैं UI पे बहुत कम काम करता हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा काम होता है UX पे काम होता है। मेरे को डिजाइन नहीं बनाने होते ज़्यादा, मेरा काम पूरा UX पे रिसर्च करने का है, फिर मेरे को उस पर मान लो देखना है कि सामने वाला के क्या फीडबैक है, क्या नहीं है, राइट? सो वो चीज़ें मेरा ज़्यादा काम रहता है। सो आई थिंक हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो नए डिजाइन ट्रेंड होते हैं वो ड्रिबल से शुरुआत होते हैं, एंड लाइक ये जेंजी के लिए ही होते हैं, कि मान लो कि उन लोगों के लिए, मान लो कि वो नियोमॉर्फिज्म डिजाइन का ट्रेंड आया, तो आई थिंक क्रेड ने सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट किया था अपने डिजाइन में, तो ट्रेड अपना क्या लाइक जेंजी को ही लाइक टारगेट कर रहा था तभी, तो उनके लिए बोल सकते हैं लाइक ऑल एज के, लाइक सभी एज के लोगों के लिए वो ट्रेंड आई थिंक मैटर नहीं करता। नहीं, वो नहीं करता। अब देखो ना, शुरू में क्रेड ने बना तो लिया पूरा ग्लाफ नियोमॉर्फिज्म बना के छोड़ दिया, बट उन्होंने बहुत जल्दी उसको चेंज कर दिया था। आई थिंक कितना 5-6 महीने शायद उन्होंने बस वो UI रखा और वो आराम आराम से ना चेंज करते रहे, और वो फ्लैट UI पे आ गए। हाँ, वापस आना ही पड़ा उनको, ठीक है, वापस से बिल्कुल फ्लैट UI पे, क्योंकि क्या ना, वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है इन ट्रेंड्स में कि जो हर एक मोबाइल पे कंपेटेबल नहीं हो पाते, वो सबसे ज्यादा इशू रहता है। बट आज के टाइम पे क्या है ना, मोबाइल बहुत सारे एडवांस है, सब पे जो भी UI बनाओगे ना चल जाए, कोई इशू नहीं है,
जब क्रेड आया था ना पहले पहले, तब काफी सारे इश्यूज होते थे। हाँ, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि वो जो यूएपी थोड़ा लोड लेती है, फिर कहीं पे एलसीडी डिस्प्ले में होता है, कहीं पे एलईडी डिस्प्ले में, वो दिक्कत आती है कलर की वगैरह की सब चीजों की। राइट, वही होता है। सो एक और क्वेश्चन है कि लाइक कोई मान लो कि कोई 2-3 साल का एक्सपीरियंस डिजाइनर है, लाइक वो टीयर 2 सिटी में काम करता है एज ए यूआई डिजाइनर, क्योंकि वहाँ पे कोई डिफरेंट रोल ही नहीं है, यूआई डिजाइनर बोलो या यूएक्स डिजाइनर बोलो, तो दोनों का काम सेम ही होता है। वो आई थिंक आपको भी पता होगा कि कुछ यूएक्स की प्रोसेसेस ही वहाँ पे फॉलो नहीं होती है। तो अगर वो बेंगलोर में आता है तो लाइक एज अ यूआई डिजाइनर की जॉब वहाँ पे अवेलेबल है, या फिर यूआई यूएक्स दोनों आना चाहिए, किस हिसाब से होता है वहाँ पे? यार आई थिंक ये चीज़ ना डिपेंड करती है कि आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो। अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जहाँ पे उनको ज़्यादा यूएक्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करने दिया जाएगा कि ठीक है भाई ये काम करो, आपको जो रिसर्च करनी है आप रिसर्च करो, जो वायरफ्रेम्स बनाना है पूरा वायरफ्रेम्स बनाओ, देन उसके बाद आप यूआई पे जाओ, पूरा प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन होती है, वायरफ्रेम्स बनते हैं, उसका रिव्यूज़ होता है, देन उसके बाद यू गो टू द यूआई पार्ट। अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसको जिनका मेन फोकस ज़्यादा यूआई पे है, ठीक है, सो देर आर चांसेस कि वो आपको ज़्यादा यूज़र रिसर्च पे ज़्यादा काम नहीं करने देंगे, रिसर्च करने देंगे, ठीक है, ये मैं सिर्फ बैंगलोर का ही बता रहा हूँ, ये आपको रिसर्च करने देंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको आप यूज़र के इंटरव्यूज ले पाओ या सर्वे चेक कर पाओ या कुछ अपने आप पे काम कर पाओ, वो चीज़ आई थिंक कि पॉसिबल नहीं होगा। बट मैंने इसलिए शुरू में बोला कि डिपेंड्स कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका लीड जो है या मैनेजर जो है भाई वो कितना ज़्यादा बिलीव करता है कि रिसर्च कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी बोलते कि ये लो डिज़ाइन, इसको फटाफट डिज़ाइन करके दे दो, ठीक है, तो उसमें नहीं, सीरियसली मेरे साथ ना ये पहले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से सब में यही इशू होता था, वो क्या करते थे कि भाई अजय ये डिज़ाइन है, ये ऐप है, मेरे को इसका एक डुप्लीकेट बना करके दे दो, मेरे को इसका एक और रेप्लिका बना करके दे दो अपने यूआई के थोड़े चेंजेस करके। अब उसमें भाई मेरे पास 2-3 दिन का टाइम है, पूरा एप्लीकेशन की 10-15 स्क्रीन बनानी है, अब मेरे पास रिसर्च का टाइम नहीं कि भाई मैं बैठूं इसको रिसर्च करूं क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं, मैं फटाफट स्क्रीनशॉट्स लूंगा सारे उस एग्जिस्टिंग ऐप के स्क्रीन्स के, फिर मैं अपने फिग्मा में डाल लूंगा, फिर मैं वहां से जितना ज़्यादा हो सकता है मैं चेंज कर करके यूआई बना करके दूंगा। सो लाइक ये टीयर 2 सिटी में यही प्रॉब्लम होता है कि डायरेक्टली उनको एक दिन में 30-40 स्क्रीन चाहिए होती है, वो डायरेक्टली फिनिश करके डेवलपर को असाइन कर देते, कर दो ये फिनिश, एक वीक में तो इसको फिनिश कर देते। बट जहाँ पे हमारी लर्निंग की बात होती है तो हम वहाँ पे यूएक्स कुछ नहीं सीख सकते, वही है। और मैं भी ना मतलब मेरे को क्या लगता है कि जैसे पहले मैं खुद फोर्स नहीं करता था मेरे लीड्स को कि आप मतलब हमें ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए इस ऐप को बनाने के लिए, मे बी ये भी हो सकता है, बट अभी कहना भी मैं थोड़ा फोर्स कर लेता हूँ मेरे लीड को, क्योंकि मेरे को पता है कि एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक रिसर्च करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हाउ इट कैन हेल्प मी एज वेल एज माई ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने थोड़ा फोर्स कर दिया कि सर ये ना थोड़ा सा मेरे को आई थिंक टाइम देना चाहिए मेरे को रिसर्च का, अभी मेरे को रिसर्च का टाइम दो ताकि इससे ना थोड़ा और अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बार मतलब कैसा हो सकता है ना कि मतलब बाकी लोग जितने भी डिजाइनर्स है वो टीयर 2 सिटीज वाले वो भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं कि आपने पर फोर्स करके देखो अपने लीड को कि आपने ये डिजाइन दिया, ठीक है, आपने मेरे को 1 या 2 दिन दो, मैं थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ, मैं उसके बारे में पढ़ लेता हूँ क्या है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो रिसर्च करने के बाद आपके पास कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो आप उसका नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद अपने लीड को दिखाओ कि सर देखो हमने लास्ट टाइम डायरेक्ट यूआई बनाया था तो ऐसा यूआई बना था, अब हम रिसर्च करके यूआई बनाने जाएंगे तो ऐसा यूआई बनेगा। सो हम उसमें हालांकि हमने 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं प्रोजेक्ट करने में, बट उसमें बस प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि हमारे जो रिपीटेटिव चेंजेस जो हो सकते थे इन फ्यूचर जो कि मोर देन 2 डेज ले सकते थे वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो ना आप मतलब प्रैक्टिस में ला सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी रिसर्च काम करेगी, आपकी रिसर्च आपके ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचा सकती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बचा सकती है, सो आप अपने लीड को फोर्स करने का ट्राई करो, उसको समझाओ, क्योंकि मैं बताता हूँ ना टीयर 2 जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना उनको नहीं पता होता कि यूएक्स कितना वैल्यूएबल है, यूएक्स की रिसर्च कितनी वैल्यूएबल है, ठीक है,
तो उनको मतलब ऐसा नहीं कि वो जानना नहीं चाहते, बट उनको पता नहीं होता। तो अगर आप एक अच्छे यूएक्स डिजाइनर हो ना, सो आपको वो चीज़ ना ट्राई करनी चाहिए। आप अपने लीड्स को गाइड कर सकते हो, आप उनको सिखा सकते हो। और यार आई थिंक मैं अगर किसी को कोई अच्छी चीज़ सिखाऊंगा ना, सो इट डजेंट मैटर कि मैं उससे एज में छोटा हूँ या प्रोफाइल में छोटा हूँ, वो मैटर नहीं करेगा। राइट, अगर मैं अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ तो भाई वो सीख लो, तुम्हारे अच्छे बेटर के लिए मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, सही तो बात ये है चीज़ भी मतलब भाई। प्रैक्टिस में ले सकते हैं। फिर उसका लाइक मान लो कि 2 दिन का आप रिसर्च करते हो, फिर यूआई करते हो, तो यहाँ की कंपनीज क्या होती है कि उनको ऑन द स्पॉट रिसर्च लाइक रिजल्ट मिलना चाहिए, बट हाँ उनका रिजल्ट उसको एंड में मिलता है जब वेब डेवलप होती है। तो हमारा पहले का जो रिसर्च होता है वो तभी लाइक एंड में काम आता है, तभी उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो वो लोग राइट यहाँ पे वो उतना सोचते नहीं, बट जहाँ वहाँ की आप जो बोल रहे हो वहाँ की कंपनीज इसलिए फॉलो करती है, और कई कंपनीज वहाँ से बड़ी इसलिए निकली है कि वो लोग रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। राइट, वही है यार, वही डिफरेंस आ जाता है। इसलिए ना मतलब मोस्ट ऑफ दी जितने बैंगलोर से जो प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं वो अच्छे निकलते हैं, क्यूरेटेड और एक्सपीरियंस प्रोडक्ट बोल सकते हैं कि ऐसे वाले प्रोडक्ट्स निकलते हैं, क्योंकि वो लोग ना इन्वेस्ट करते हैं यार रिसर्च में, रिसर्च पे रिसर्च में इन्वेस्ट काफ़ी करते इन्वेस्ट हैं, करते हैं वो, और हम वो इशू इसलिए तो होता है। देख रहे हैं कि मान लो कि कोई भी बाहर की लाइक यूएस की कंपनीज का देख लो, तो वो लोग भी ज़्यादा रिसर्च पे ही देते हैं। वहाँ की हम आज मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम वहाँ बाहर की यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उनका रिसर्च बहुत ही बढ़िया है। राइट सो लाइक अब अगर किसी को लाइक यूएक्स डिज़ाइनर बनना है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है? अगर किसी को यूएक्स डिजाइनर कोर्सेस, अगर बनना है, कोर्सेस भी अवेलेबल ना हो उनको, सेल्फ थॉट यूएक्स डिजाइनर बनना है, तो आप कुछ उसका करियर पाथ लाइक उसका पाथ दिखा सकते हो कि किस हिसाब से बन सकता है? हाँ अगर देखो वो ये कि अगर भाई किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है, मतलब जीरो नॉलेज है, उसके हिसाब से अगर किसी को यूएक्स डिजाइनर बनना है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने कैसे यूएक्स डिजाइनिंग में, मतलब मेरे को पता नहीं था कभी यूएक्स डिजाइनिंग क्या है या कोई चीज़ पहले तो होती आप भी यूआई है। करते थे, राइट? पहले तो आप यूआई ही करते हाँ थे। हाँ मेरे को वर्ड भी नहीं पता था कि यूआई यूएक्स भी कुछ होता है। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे कॉलेज का एक स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता था, जहाँ पे हमें सारी अटेंडेंस दिखती थी, क्लासेस के शेड्यूल्स, रिजल्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन उस एप्लीकेशन में दिखती थी। एज अ स्टूडेंट, एज अ एंड यूज़र, मेरे को वो एप्लीकेशन अच्छा नहीं लगता था कि भाई इसमें क्या है यार, मेरे को अटेंडेंस देखने के लिए 3-4 स्क्रीन आगे जाना पड़ता है, क्लास शेड्यूल ढंग से नहीं दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे थे। सो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ईयर के बाद जून जुलाई आता है, 2 महीने का छुट्टी मिलती है। सो मैंने सोचा कि मैं कहा चलो इस 2 महीने कुछ सीखते हैं। तो फिर मैंने तब सोचा मैं कहा एक काम करता हूँ, अगर मेरे को चांस मिले भाई मेरे यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन को रीडिज़ाइन करने का, तो कैसा हो सकता है? ठीक है, मेरे को उस टाइम अडोबी एक्सडी कुछ सॉफ्टवेयर पता चला कि जो कि इस चीज़ के लिए काम आता है। तो मैंने अडोबी एक्सडी में भाई उस पूरे एप्लीकेशन को रीडिज़ाइन करना चालू करा, जो जो मेरे को दिमाग में आया, क्योंकि भाई मेरे को कोई गाइडलाइंस नहीं पता, कोई रूल्स नहीं पता यूआई से, मैं कुछ भी बना रहा हूँ अंडरस्टैंड मैं कुछ भी बना रहा था। ठीक है, बट मेरी एक जो अप्रोच थी, जो आइडिया था, डैट वॉज काइंड ऑफ गुड, कि मैंने ये सोचा था कि मैं मेरे यूनिवर्सिटी का मैप बनाऊंगा पूरा, उस मैप के अंदर मैं पिंस डालूंगा, उस पिंस के टैप पे दिखाऊंगा कि मैं कैसे कहाँ पे मेरी क्लास है, कौन सी क्लास है, कितने बजे है, समथिंग लाइक गूगल मैप्स आई वॉज शोइंग। ठीक है, सो वहाँ से मेरे को पता चला कि यूआई एक्स कुछ होता है। तो अगर किसी को भी स्टार्ट करना है तो मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास ना कोई कोर्स है, ना तुम्हारे पास इंटरनेट है, ना तुम सीख पा रहे हो, कहीं से भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, सो द ओनली बिगेस्ट सोर्स फॉर यू इज़ योर लाइफ ओनली। आप अपने आसपास देखो कि भाई मतलब यूएक्स डिजाइनर का ना सबसे मेन रोल होता है कि प्रॉब्लम सॉल्वर बोलते हैं हम उनको। एंड वो ऑब्जर्व प्रॉब्लम करना सारी सॉल्वर, चीजें। हाँ प्रॉब्लम सॉल्वर सिर्फ वो ना, तो जो ऐप की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा या डैशबोर्ड वेबसाइट की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा डिजाइनिंग, वो नहीं होता भाई। प्रॉब्लम सॉल्वर होता है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम हो, चाहे छोटी सी, आप उसका कितना ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकालते हो ताकि आपको लॉस ही ना हो। ठीक राइट है, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि ठीक है भाई मेरे दोस्त को ना माइट बी उसके उसको अपना घर शिफ्ट करना है, तो उसको कैसे कराएं ताकि उसका लॉस ना हो। अब तुम उसके बारे में रिसर्च करो, ठीक है भाई घर शिफ्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। ठीक है भाई तुम्हें ट्रक चाहिए, कुछ चाहिए है, तुम्हें पैकेज एंड मूवर्स भी चाहिए होंगे। अगर तुम किसी सर्विस के पास जाओ तो भाई ज़्यादा पैसा लेगा वो, तो एक काम करो भाई राइट जुगाड़ लगाते, चलो एक काम करो किसी का ट्रक उठाओ, किसी से बात करो ट्रक लगाने की, तुम खुद पैक करके ले करके जाओ, ठीक है ऐसे करके लेके जाओ, ये करो वो करो।
तो तुम एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो गए, तुम एक ऑप्टिमाइज तरीके से कम पैसा लगा के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो अपने आसपास की लोगों को देखो कि अच्छा ठीक है, आपके गांव में 1000 लोग है, 1000 लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है, 1000 लोगों को एक ही सिंगल प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको, फिर से कोई सोल्यूशन निकालो, उसके थ्रू कोई प्रोडक्ट बनाने का सोचो। ऐसे करते करते आप फिर क्या करोगे ना, एक मतलब आपके अंदर ना एक ऐसी थिंकिंग आ जाएगी कि आपने लिटरली अपने आप में ही एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे। और एक यूएक्स डिजाइनर का काम ही वो है, आपको कंपनी आपको कोई प्रॉब्लम देगी, भाई अंकित भाई ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करके दो मेरे को, कैसे करोगे, फिर आप अपना दिमाग दौड़ाओगे, ठीक है भाई 100 लोगों को ये प्रॉब्लम होगी तो मैं कैसे करूँगा, 1000 लोगों को प्रॉब्लम तो कैसे करूँगा, ठीक है। वो ऐसे ऐसे करते करते चेंज होता रहता है। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट अबाउट थिंकिंग एज अ यूएक्स डिजाइनर, एंड लेटर ऑन अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चालू कर दो, कुछ भी प्रोजेक्ट उठा लो, चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह इतने सारे टूल्स हैं, उनको बोलो कि मेरे को 10 UX के प्रोजेक्ट दो काम करने के लिए, वो अपने आप देगा, उसको बनाओ, उनको रिसर्च के अपनी केस स्टडी बना करके पूरा बिहेंस भी डालो। हाँ, अभी इवन की तो सारी चीजें, मैं तो कोई डिजाइनर मेरे को पूछता है तो मैं तो उनको सिंपल बोलता हूँ कि आपको UI UX इम्प्रूव करना है तो एग्जिस्टिंग जो जो खराब ऐप बनी हुई है, जैसे कि IRCTC की ऐप ले लो, वो कितनी बुरी ऐप है, तो उसको ही ले लो, उनको ही रीडिजाइन करके बढ़िया सा बनाओ, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, तो वो भी चल सकता है। वही ना यार, बहुत सारी होती है यार, तुम्हें जो चीज बेकार लग रहे हैं तुम उसको रीडिजाइन कर लो, चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, मैटर ही नहीं करेगा भाई, तुम एक एज अ पर्सनल प्रोजेक्ट उसको बना रहे हो। तुम्हें क्रेड बेकार लग रहा है, तुम क्रेड को रीडिजाइन कर दो, सही बात, और क्या कुछ। हाँ, सीखने के लिए तो सभी चीजें अलाउड ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, क्योंकि UI UX में या कहीं पे भी ना, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में तुम बोल सकते हो कोई भी चीज ना आज के टाइम पर परफेक्ट नहीं है, राइट, नथिंग इज परफेक्ट। सो कर दो भाई जिसको तुम्हें रीडिजाइन करना है, तो हमारी जरूरत ही क्या थी, डिजाइनर की जरूरत ही क्या थी, एक बार जो चीज बन गई तो फिर तो उसके बाद की कोई जरूरत ही नहीं थी, बट एवरी टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है और सॉल्यूशन निकलता रहता है, राइट, वही ना। सो आई थिंक और आगे तो लाइक बेंगलोर में लाइक जॉब कल्चर किस हिसाब से, उस पर बात करते हैं अभी, लाइक वहाँ पे ऑफिस का कल्चर किस हिसाब से होता है। यार हमारे ऑफिस में तो कैसा है ना कि काफ़ी लूज कल्चर है हमारे ऑफिस का, दे डोंट केयर कि मैं मतलब कितने बजे जा रहा हूँ कितने बजे जा रहा हूँ, बट स्टिल मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो केयर नहीं करते तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट जा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आ जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता है कि यूजली अब बैंगलोर के ट्रैफिक के लिए ना कोई बोलता नहीं है, सबको पता है कि ट्रैफिक होता है, सो दे डोंट आस्क यू टू बी अवेलेबल शार्प एट 10 AM और शार्प एट 9 AM, ठीक है, आपको शार्प आने को नहीं बोलेगा, तो आप आराम से आ सकते हो, और आपको लग रहा है कि ठीक है भाई ट्रैफिक है तो आप आ सकते हो। मोस्टली क्या होता है ना, हमारे स्टैंडअप्स होते हैं, सुबह की जो मीटिंग होती है वो ऑनलाइन हो जाती है, देन लेटर ऑन यू कैन कम टू ऑफिस मे बी हाफ एन आवर और मे बी 20 मिनट्स लेटर, बट मतलब ऐसा होता है कि 10 से 11 के बीच में आ जाने का, देन मतलब बस आपको जो भी आपका काम है आप वो करते रहो पूरे दिन, जल्दी काम हो जाता है तो आप जल्दी सबमिट कर दो, लेट काम आ रहा था बोल दो कि भाई आज नहीं हो पाएगा कल हो पाएगा, मतलब ये मेरे ऑफिस की ये मतलब मैं बता सकता हूँ, एंड ठीक है, मतलब इट्स गुड कि फ्रेंडली कल्चर होता है, कोई ऐसा नहीं कि आपको ऐसा फील नहीं हो कि भाई मेरे ऊपर कोई बॉस है या मेरे ऊपर कोई लीड बैठा जो मेरे पे माइक्रो मैनेज कर रहा है, माइक्रो मैनेज नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, एटलीस्ट मेरे ऑफिस में नहीं है, एंड इट्स गुड कि ठीक है, अभी तो खासकर बैंगलोर में थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है सो हालत थोड़ी ख़राब है, बट मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही है बैंगलोर में कि मैं गर्मियों के टाइम पे बैंगलोर में हूँ, सो दे आर सेइंग कि भाई पहले थोड़ा सही रहता था टेम्परेचर, बट दिस टाइम इट्स मोर हॉट देन द प्रीवियस समर टाइम्स, तो लाइक इस हिसाब से होता है सब, राइट। तो दूसरी चीज़ तो ये कि लाइक वहाँ पे लाइक डिजाइनर की कम्युनिटीज भी होगी ना, कि लाइक मीटअप्स वगैरह कुछ होते हैं वहाँ पे? हाँ, मीटअप्स होते हैं यार, मैंने बहुत बार ट्राई भी किया है कि मैं इवन कि मैं खुद एक मीटअप कराना चाहता था कि मैं डिजाइनर्स का मीटअप कराता हूँ,
बट अभी मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि कैसे करूँ, मेरा प्लान चल रहा था क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली पहले मेरी वर्कशॉप थी मैंने वो कंप्लीट करी, अभी मेरा नेक्स्ट गोल एक मीटअप कराने का, सो मैं देखता हूँ। बट अभी एक माइक्रोसॉफ्ट ने मीटअप कराया था, यूएक्स डे करके कोई मीटअप था, एंड मेरा उसमें मन था जाने का, बट इशू क्या हुआ कि उनका जो रजिस्ट्रेशन लिंक था वो चल ही नहीं रहा था भाई, तो मैं उसमें रजिस्टर नहीं कर पाया। ठीक है, बट कैसा है कि एक दो वेबसाइट्स है, एक meetup.com है, एक IXDF करके है जो UX UI UX डिजाइनिंग का एक फाउंडेशन है पूरा। सो ये दो वेबसाइट्स है जहाँ पे ना मतलब कम्युनिटीज बनी हुई है पूरी, अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग कम्युनिटीज़ बनी हुई है डिजाइनर्स की। सो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें क्या है ना आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी, कहीं पर अगर कोई मीटअप हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है UX का कुछ भी है, सो वो चीज़ें वहाँ पर अपडेट्स होती रहती है। सो दूसरी चीज़ तो है कि कुछ वेबसाइट के बारे में बताओ कि लाइक कहाँ से लर्निंग कर सकते हैं, कोई यूजफुल वेबसाइट बताओ जो स्टूडेंट हो लाइक बिगनर लेवल के डिज़ाइनर हो उनके लिए। लर्निंग के लिए तो यार ऐसा है कि मेरे को लगता है ना कि कोर्सेरा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे अगर आप फ्री में भी कोर्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल एड सर्विस देता है वो। सर्टिफिकेट चाहिए तो पैसे देने पड़ते हैं, उस टाइप का कुछ है ना उनका? हाँ, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे कि भाई मेरे को सिर्फ सीखना है मेरे को सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है, तो फाइनेंशियल एड सर्विस ले लो यार, उसमें आपको पूरा कोर्स फ्री में मिलेगा बट आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बस अगर आपके पास पैसा है थोड़ा सा 200, 500, 1000, 1200 जितना भी कुछ पैसा है, तो आप यूडेमी से ले लो या कोर्सेरा से भी ले सकते हो। ठीक है, एक टीचेबल वेबसाइट भी है आजकल चल रहा है, थोड़ा अच्छा चल रहा है, वहाँ से भी कोर्स ले सकते हो। या अगर कोई जैसे एजेंसीज है काफ़ी सारी, ग्रोथ स्कूल करके है एंड जो सप्तऋषि है स्विगी का प्रोडक्ट डिजाइनर, तो उसके भी कोर्सेज काफ़ी सारे हैं, सो दे आर ऑल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज, सो आप उनके भी कोर्सेज ले सकते हो। हाँ वो भी है, बट आई थिंक मेन तो यूएक्स का ही कोर्स लेना होता है, स्पेसिफिक यूएक्स यूआई का ना ली, क्योंकि यूआई तो एट द एंड आ ही जाएगा आप, बट पहले यूएक्स सीखना पड़ता है, राइट? बोल सकते हो कि आज के टाइम पे ना पहले यूएक्स सीख सकते हो, यूआई तो यार मैं बता रहा हूँ ना कि अभी एआई का इतना वो चल रहा है ना कोई, सो यूआई इज काइंड ऑफ एआई थिंग ओनली। क्योंकि लाइक यूआई तो आप 100 डे चैलेंज करके भी ले सकते हो कि डेली एक दो स्क्रीन क्रिएट करके आप 2-3 महीने में अपना यूआई तो रिफाइन कर ही लोगे, बट यूएक्स तो लाइक उनका सीखने का जर्नी तो चलता ही रहेगा जब तक आप करियर में हो। वही है, और ऐसा नहीं कि अगर आपका यूआई बहुत तगड़ा बना दे बट अगर यूएक्स ही अच्छा नहीं है ना, सो वो यूआई ना मैटर ही नहीं करेगा, राइट? चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। सेम गोज विद यूएक्स, चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर यूआई ही अच्छा नहीं है ना, मतलब यूआई ब्रोकन नहीं हो, एक होता कि यूआई आई को अच्छा लग रहा, मतलब दिखने में अच्छा लग रहा, एक होता यूआई की भाई वो बिल्कुल ही अजीब है, बिल्कुल भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा, वैसा वाला नहीं, मिनिमम गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है, आंखों को मतलब एकदम चुभ नहीं रहा कि भाई क्या ही बना कर दे दिया, एकदम एकदम चटक कलर यूज कर लिया, ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, मिनिमल यूआई भी हो तो भी चलेगा, बट यूएक्स आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यूएक्स ही आपके यूआई को हैंडल कर पाएगा। राइट राइट, मान लो कि इन फ्यूचर में कुछ चीज़ें, कुछ 2-4 चीज़ें ऐड भी होगी तो भी वो यूएक्स हैंडल कर पाएगा अगर आपका यूएक्स अच्छा होगा तो, राइट? अदरवाइज बिगड़ सकता है डिजाइन वगैरह सब। राइट राइट, वही है। सो अब कुछ सैलरी के रिलेटेड बात करते हैं कि लाइक एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है, लाइक अगर कोई फ्रेशर है तो किस हिसाब से मिलती है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस तो किस हिसाब से मिलती है बैंगलोर में? हाँ हाँ यार, अभी कैसा चल रहा है ना, जब मैंने स्टार्ट करा था नोएडा से, मैंने जब स्टार्ट करा था तो एट दैट टाइम एवरेज सैलरी वाज अराउंड 30-35,000 रुपीस फॉर अ यूएक्स डिजाइनर विद आई थिंक 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिसके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस था उसको 25-30,000 मिल जाता था। देन अभी के टाइम पे कैसा हो गया ना, अभी के टाइम पे अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है बैंगलोर में ट्राई कर रहे हो, सो आई थिंक 35-40,000 के आसपास आई थिंक इट्स एन एवरेज सैलरी जहाँ तक मेरे को लगता है। आई एम नॉट श्योर कि कितना है, क्योंकि मेरे को रिसेंटली ही एक डिजाइनर था जिसने अभी जस्ट ज्वाइन करा था एक कंपनी में, बैंगलोर में करा था, एक फाइनेंशियल कंपनी थी,
सो दे वर पेइंग हिम अराउंड 34 समथिंग. अच्छा. सो उसका एक्सपीरियंस 6 मंथ्स का था, मतलब उसने इंटर्नशिप के लिए 6 महीने का आई थिंक, नहीं इंटर्नशिप के बाद उसका 6 महीने का एक्सपीरियंस था फुल टाइम का. सो ही वॉज गेटिंग दैट मच ऑफ मनी. हाँ, फिर वहाँ पे सैलरी भी आए बट उतने खर्चे भी वहाँ पे आई थिंक आए, रेंट वगैरह सब. रेंट में और मेनली कम्यूट में आपका सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा आने जाने में ऑफिस. अगर नियरेस्ट आपका लोकेशन जो स्टे लोकेशन अगर आपका ऑफिस के पास नहीं है तो भाई भूल जाओ, फिर जितना पैसा आएगा पूरा आने जाने में निकल जाता. क्योंकि वहाँ पे लाइक उबर एंड ओला का प्राइस ही उतना हाई होता है क्योंकि ट्रैफिक की वजह से बहुत हाई होता है भाई. फिर फूड का खर्चा गिन लो कि आपको वहाँ पे जो कुछ खाना चाहते वो जमता नहीं है तो वो कॉस्टली पड़ता है कहीं पे बाहर खाने जाए तो. वही है नॉर्थ इंडियनली इसलिए थोड़ा इशू पड़ता है कि भाई आपको साउथ इंडियन डिशेज जितनी भी होगी आपको लोकली मिल जाएगी और सस्ती मिल जाएगी, 15-20 रुपए से भी स्टार्ट हो जाती है मान लो इडली डोसा वगैरह. बट अगर आप सोच रहे हो कि भाई आपको कहीं से छोले भटूरे मिल जाए या पाव भाजी वगैरह कुछ अच्छी मिल जाए, मिनिमम 200 रुपीज तो एक टाइम का लगा के चलो, मिनिमम 200 रुपीज वो भी एकदम थर्ड क्लास या मे बी सेकेंड क्लास रेस्टोरेंट से आप बोल सकते हो. अगर अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे तो भाई 500 रुपये का एक थाली का प्राइस मान के चलो मिनिमम, एक टाइम का लंच का 500 रुपये मान के चलो ऐसा. तो लाइक जितना कमा रहे हो उतना तो उसमें जाया जाता है, बट एक टाइम के बाद लाइक 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस तो आई थिंक अच्छी मिलती होगी वहाँ पे सैलरी. हाँ, अगर 3-4 इवन की देखो मान लो कैसा होता है ना कि आपने किसी भी जो फील्ड में ना कैसा होता है कि अगर आपने 4 साल का एक्सपीरियंस क्रॉस कर लिया ना सो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद. वो आप कोई भी फील्ड चाहे आप डेवलपमेंट में हो या डिजाइनिंग में हो किसी में भी हो रिसर्च में किसी में भी हो, सो 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा रेप्यूटेटिव प्रोफाइल मिल जाता है, रेप्यूटेड कंपनी मिल जाती है, वहाँ पे अपना अच्छा पैसा मान सकते हो. सो इट्स नॉट लाइक कि आपको आप वापस से ही 50-60 हज़ार रुपये से मान लो कर रहे हो, सो यू कैन गेट मे बी अप टू 90-1 लाख रुपीज 4 साल के आसपास बैंगलोर की मैं बात मान लो बता रहा हूँ. हाँ, उतना तो मिलता है बट दिक्कत क्या है बेंगलोर में तो मान लो कि एक्सपीरियंस की बात चलती है वहाँ पे कि एक्सपीरियंस पीपल को ये लोग हायर ज़्यादा करते हैं, बट टीयर टू सिटी में अहमदाबाद जैसे सिटी की बात करें तो वहाँ पे कम एक्सपीरियंस वाले की डिमांड ज़्यादा होती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस कंपनी अफोर्ड ही नहीं करती क्योंकि दिक्कत क्या होती है उनको लाइक उनका बजट ही नहीं होता. लाइक यूएक्स डिजाइनर को 50-60 हज़ार मैक्सिमम मिलता है, फिर उसके साथ उसके बाद उसकी लिमिट लग जाती है. क्यों वो सोचने लगते हैं कि इस प्राइस में तो हम 2 डिजाइनर को रख ले क्योंकि यूएक्स का तो वहाँ पे कुछ काम ही नहीं है. राइट, वही होता है, दिक्कत होती है कंपनीज. मैं बताता हूँ ना कि एक कंपनी अगर हर एक एम्प्लॉय की सैलरी काउंट करने पे आ जाए, जस्टिफाई करने पे आ जाए, सो किसी की भी सैलरी जस्टिफाई नहीं हो सकती है, किसी की भी नहीं हो सकती है एक कंपनी के अंदर. सो ऐसा ही होता है कि भाई यू कैन नॉट जस्टिफाई एवरी सिंगल पेनी ऑफ योर सैलरी. सो वो अगर और एक बार अगर कंपनी ने चालू कर दिया ना आपकी सैलरी काउंट करना तो फिर तो भाई आपकी जॉब खतरे में, वो कभी भी फिर आपको फायर भी कर देगी कि ठीक है भाई यार कह दे मैं अभी एक बंदे को डिजाइनर के लिए हायर कर रखा है ये 50 हज़ार ले रहा है तो एक काम करते हैं भाई 2 इंटर्न को उठाते हैं 25-25 हज़ार देंगे तो उनसे डबल डबल काम एक बार में 2-2 बंदे काम करके देंगे निकल जाएगा. क्योंकि उन लोगों के लिए मैटर नहीं करता कि भाई मेरे को क्वालिटी कितनी ज़्यादा मैटर करती है, ये सब मैटर नहीं करेगा भाई उनको. उनका है कि ठीक है भाई मेरा प्रोडक्ट सेटअप हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब तो भाई ऑटोमेशन में सारी चीज़ें, बस अब तो ऐसा कि कंटेंट दो डिज़ाइन में डालो काम खत्म. राइट, सो उसके बाद फिर इंटर्न रख लो, चलो ठीक है भाई हो गया काम. तो भाई ये बताओ कि टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हो आप वहाँ पे? मेरा मोस्टली तो है फिग्मा यूज होता है, ठीक है, एंड फिर उसके बाद मान ले मीरो यूज कर लेता हूँ मैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड सेशन करने पड़ते हैं क्लाइंट्स वगैरह के साथ काफ़ी सारे, सो मीरो यूज कर लेता हूँ मैं. एंड गूगल डॉक्स यूज होता रहता है बहुत सारा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, सो गूगल डॉक्स यूज होता है, एक्सेल यूज हो जाता है, एंड और क्या होता है हाँ मतलब फिग्मा जैम वगैरह हमारा कुछ खास यूज होता नहीं है. हाँ, वो तो मीरो जैसा ही बेसिक उस टाइप का ही है कुछ वाइट बोर्डिंग टूल ही है. ऐसा है कि फिग्मा जैम के लिए मेरे को अलग से पैसा देना पड़ता सो वो मैं कर नहीं रहा हूँ, सो मैं मीरो फ्री में चल जाता है तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ. एंड और क्या है फिर बस गूगल का वर्क स्पेस ही है मोस्टली जो है मीटिंग्स के लिए, जूम और गूगल मीट वगैरह चलता रहता है. अभी के टाइम पे टूल्स तो मान लो ये यूज होते हैं मेरे.
एनिमेशन आप करते हो कि एनिमेशन वगैरह नहीं होते, माइक्रो इंटरेक्शन नहीं वगैरह? हमारे में एनिमेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत रेयर ही कभी होता है एनिमेशन का काम, बट मोस्टली मतलब एनिमेशन का काम है ही नहीं है। और छोटा मोटा तो फिग्मा के से ही हो जाता है लाइक? हाँ मतलब बहुत ही रेयर कभी होगा यार, मान ले मेरे को मैं भी कोई इलस्ट्रेशन का एनिमेशन करने का कुछ भी है एरर पेज पे या 404 पे या कहीं भी नो डेटा वाले पेज पे कुछ दिखाने का, सो एट दैट टाइम एनिमेशन काम आ जाता है इलस्ट्रेशन वाला। बट वो भी क्या है ना कि यार लाइब्रेरी से उठा लेते हैं सीधा, आइकन स्काउट पे जाओ, वहाँ से बहुत सारी जिप्स है, लोटे फाइल्स है जो उठा सकते हो, तो उसको यूज़ करो, काम खत्म हो जाता है भाई। और फिर ये बताओ कि आप डेली कौन कौन सी लाइक वेबसाइट यूज़ करते हो लाइक रिसर्च करने के लिए, एसेट फाइंड करने के लिए, लाइक सारी चीज़ें बताओ। तो क्या मेरे बिगनर डिजाइनर जो है लाइक मेरी ऑडियंस वो देख सके, वो थोड़ा देख पाए वेबसाइट में जाके, थोड़ा रिसर्च कर सके अपने हिसाब से? हाँ कैसा है कि मेरा जैसे मैं कैसे करता हूँ ना, मान ले कि मेरे लीड ने कोई बोला कि अजय ये प्रॉब्लम आ रही है अभी तो इसको सोल्व करना है, पहले मैं क्या करता ना, मैं ना सबसे पहले भाग करके ना ड्रिबल पे चला जाता था, ड्रिबल पे फटाफट सर्च करा कि ये है, इसका कुछ बता करके दे दो। नो डाउट वहाँ पे सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है, बट जो आपको जो सॉल्यूशंस जो चाहिए ना, एज अ यूएक्स डिजाइनर मैं बोल रहा हूँ, यूआई डिजाइनर नहीं, यूएक्स डिजाइनर जो आपको सॉल्यूशन जो चाहिए ना, वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा वहाँ पे, क्योंकि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए या एक ऐसा रेफरेंस चाहिए जो कि ना आपको बताए, सिखाए, बोले उसके बारे में, डेटा दे उसके बारे में, वैसा वाले सोल्यूशन चाहिए। तो वो सोल्यूशन दो ही जगह मिल पाएगा, या तो आप गूगल कर लो सीधा कि मे बी हाउ टू डिजाइन बेटर ड्रॉप डाउन्स, और यू कैन से हाउ टू डिजाइन बेटर लॉगिन स्क्रीन्स, लॉगिन पॉपअप्स, कुछ भी ऐसा बोल सकते हो। बट मैं जो अभी जो यूज करता हूँ, मैं सीधा यूज करता हूँ मीडियम, मैं मीडियम पे जाता हूँ, फटाफट सर्च करता हूँ जो मेरे को चाहिए है, जिसके बारे में मेरे को रिसर्च करना है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत ही खतरनाक आर्टिकल्स आते हैं, बढ़िया आर्टिकल वहाँ पे, उसमें डिटेल्ड भी लिखा होता है, मैं भाई उसको पढ़ता हूँ, तीन चार आर्टिकल्स पढ़ता हूँ अलग अलग लोगों के, वहाँ से फिर मेरे को पॉइंट्स आते हैं, ठीक है भाई ये चीज़ें करनी है तो ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, मैं खुद के नोट्स बनाता हूँ, खुद के नोट्स बनाने के बाद फिर मेरे जो मेरे पास जो प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को उस नोट के साथ मैच करके देखता हूँ, कहाँ कहाँ पर मैं मेरी लर्निंग्स को फिट कर सकता हूँ, देन फिर मैं डिज़ाइन पर या फिर मैं फिर प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर काम करता हूँ। तो अभी मेरे गो टू वेबसाइट मान लो मेरे लिए तो मीडियम बना हुआ है कि मैं मीडियम पे पहले ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरा काम यार डिजाइन वाला है नहीं है, मेरा काम रिसर्च का है, सो फॉर रिसर्च आई नीड डेटा, आई नीड सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, और आई नीड सम मोर बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजाइन, सो वो चीज़ मेरे को ड्रिबल पे नहीं मिल पाती, मेरे को ड्रिबल पे तो बस फैंसी यूआई मिलता है, दैट डज नॉट इवन, तो लाइक सब लाइक के लिए लाइक कमेंट्स के लिए सब करते हैं, बढ़िया बढ़िया डिजाइन अट्रैक्टिव वो दो तीन स्क्रीन की करके डाल देते हैं शॉर्ट्स क्रिएट करके ड्रिबल के, वो ये खतरनाक बस दिखाने के लिए। दूसरी वेबसाइट भी है ग्रोथ डॉट डिजाइन, वहाँ पे बहुत बढ़िया केस स्टडीज मिलती है, ग्रोथ डॉट डिजाइन करके। अच्छा ग्रोथ डॉट डिजाइन मे बी होती होगी, मैंने केस स्टडीज के लिए आई थिंक है काफ़ी सारी वेबसाइट्स है मैंने देवी देखी है, मेरे को याद नहीं। एक तो यार प्रॉब्लम क्या होती है ना, आज के टाइम पे वेबसाइट्स ही इतनी सारी आ रही है भाई, ये वेबसाइट इसके लिए, कलर्स के लिए, ये फ्रेम्स के लिए, ये इंस्पिरेशन के लिए, हद है भाई, मैं तो भाई मेरी इन्वेंटरी बनाता बनाता थक गया हूँ। अब एक बंदा ना एक डिजाइनर हर दिन सारी वेबसाइट्स यूज भी नहीं कर पाता वो बस एक बार बस बोलने के लिए, ठीक है भाई एक टूल पड़ा है, तुमने कोई रील देखी, तुमने एक बार वो वेबसाइट यूज करी, दैट्स इट। मेरे को लगता है कि मैंने कोई ऐसी कोई रील देखी होगी जिसने कोई मेरे को वेबसाइट बताई और मैं वेबसाइट डेली यूज करता हूँ, नहीं है भाई कोई वेबसाइट नहीं है ऐसी, घिसी पिटी चार पांच वेबसाइट्स है जो मैं यूज करता हूँ डेली। ये सभी डिजाइनर का सीन है, जब मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया तब ओनली ड्रिबल, बीहेंस एंड एक अपलक्स करके एक नया आया था वेबसाइट, तभी वही चलता था, बट अभी तो ड्रिबल जैसी रेप्लिकेट कर बहुत सारी वेबसाइट आ गई, वहाँ पे पोर्टफोलियो सब आप बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बहुत है। ड्रिबल बिहेंस से भी पहले ना एक मैं तो बल्कि पिंटरेस्ट यूज करता था पहले। हाँ पिंटरेस्ट तो है, पिंटरेस्ट तो सबसे पहले था, ठीक है। अभी रिसेंटली जो मैं यूज करता हूँ ना मेरे को काफी अच्छी लगती है, वो सेव इट करके है, saveit.it करके है, काफी अच्छी वेबसाइट है वो, उसमें आई थिंक कि भाई काफी ज्यादा लेटेस्ट आते हैं, काफी ज्यादा लेटेस्ट डिजाइन आते हैं उसमें, मतलब इंस्पिरेशन काफी खतरनाक आते हैं, चाहे वो मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ यूआई यूएक्स के लिए, उसमें पोस्टर डिजाइनिंग आते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग,
मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक हर तरीके की उसमें अच्छी अच्छी इंस्पिरेशन है। और लाइक बीएंस में भी आपके स्टडीज के लिए बीएंस अभी भी अच्छा ही है मेरे हिसाब से, वहाँ पे लाइक डिजाइनर अपनी पूरी लाइक प्रोसेसेस दिखाते हैं केस स्टडीज करके। राइट, मेरे को बस बीएंस का ये अच्छा लगता है कि भाई वो ना फ्री में आपको ना लॉन्ग पोस्ट बनाने देता है। ड्रिबल में भाई ना स्लाइडर बना सकते हो फ्री में, ना आप लॉन्ग पोस्ट बनाते हो, कुछ नहीं, सिर्फ एक फोटो अपलोड कर सकते हो फ्री वाले वर्जन में, बस इतना ही काम है। वहाँ पे लाइक पोर्टफोलियो की कितनी लाइक जरूरत है, अहमियत है कि लाइक अगर जॉब फाइंड कर रहे हो तो किस हिसाब से पोर्टफोलियो लाइक आप लाइक कंपनीज को चाहिए होता है, किस हिसाब का जब केस स्टडीज मैंडेटरी है किस हिसाब से? डिपेंड करता है यार, अगर यूआई डिजाइनर है तो पोर्टफोलियो आपका डिजाइन से भरा होना चाहिए, मतलब अच्छे वाला होना चाहिए। एंड यूएक्स में हो, यूएक्स में जब करना है सो आपकी रिसर्च के बारे में होना चाहिए, केस स्टडीज होने चाहिए, पर्सनल प्रोजेक्ट्स होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। बट दोनों जो प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका प्रोसेस, आप एंड रिजल्ट्स मत डालो। और ये पॉइंट्स ना बहुत लोगों ने बहुत जगह सुनना भी होगा, ठीक है, बट इट्स काइंड ऑफ अ ट्रूथ कि आपको आपका प्रोसेस दिखाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कि आप एंड रिजल्ट दिखा दो, एंड प्रोडक्ट दिखा दो किसी भी डिज़ाइन का, आप प्रोसेस दिखाना चालू करो, वायरफ्रेम से लेकर के रिसर्च से लेकर के मूड बोर्ड से लेकर के स्टोरी टेलिंग स्टोरी बोर्डिंग से लेकर सब चीज़ें दिखाओ यार, सब डालो उसमें, चाहे कितना भी कचरा क्यों ना हो आपके फिग्मा में, आपने छोटा सा भी कोई भी कहीं से भी इंस्पिरेशन लिया वो भी डाल करके दिखाओ कि भाई मेरे को इस स्विगी के इसमें से ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने ये डाला, सब डालो। मैं ये बात कर रहा हूँ जब आपको एक अच्छी जॉब लेनी है। और लाइक आजकल कॉपी कर कहीं से भी करो, इंस्पिरेशन लो, वो कोई मैटर चीज है नहीं, बट आपके प्रोसेस आपका वे किस हिसाब से आप काम करते हो वो चाहिए होता है कंपनीज को, वो चाहिए होता है। और मैं बोलता हूँ कि जैसे अभी आपने पूछा था कि भाई क्या आपकी कंपनी में यूएक्स प्रोसेस फॉलो होता है, या टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में जो कंपनीज उनमें यूएक्स प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, ठीक है, तो यही एक काइंड ऑफ एक ये रीजन है, लेट से कि आपने आपका पोर्टफोलियो बनाया जिसमें आपने पूरा प्रोसेस डाला, अगर उस बंदे ने ना आपका पूरा प्रोसेस पढ़ा होगा ना सो और आपने अच्छा लिखा है, सब चीज़ अच्छी करी है, सो देर आर चांसेस कि आपको बंदा पिक कर लेगा और आपको इंटरव्यू वही क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसने आपका प्रोसेस नहीं पढ़ा, आपका सिर्फ डिज़ाइन देखा है, ठीक है, और वो बंदा आपसे सिर्फ डिज़ाइन के से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा है, सो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि ये कंपनी को आपके प्रोसेस से मैटर ही नहीं करता, आप जो रिसर्च जो कर रहे हो उसको मैटर करता आपके एंड डिज़ाइन से। सही बात है, ठीक है, तो यहाँ से आप आइडिया सकते हो, आपका एंड डिज़ाइन जितना अच्छा होगा बस उतना आपका मान लो पोर्टफोलियो, सो फिर आप डिज़ाइन डालो बस अच्छे। ठीक है, तो थोड़ा रिज्यूम क्रिएशन के बारे में आप बता दो कि लाइक रिज्यूम का क्या सीन होता है थोड़ा बहुत। रिज्यूमे तो यार रिज्यूमे भी कैसा ना कि डिपेंड करता है आप कैसे कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, एमएनसी में कर रहे हो तो आपका ग्राफिक्स कितना भी हो कुछ भी हो मैटर नहीं करेगा, ठीक है, नॉर्मल एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाओ, कहीं से भी फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे पड़े होते हैं वो यूज़ करो डालो एंड उसको यूज़ करो। किसी एजेंसी में जा रहे हो, किसी एजेंसी वगैरह में अगर आप अप्लाई कर रहे हो सो उसको कुछ नहीं है, वहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छा अच्छा दिखने वाला रिज्यूमे डाल सकते हो, थोड़ा लाइक फंकी टाइप का लाइक ग्राफिक एलिमेंट यूज करके उस टाइप का थोड़ा फंकी सा रिज्यूमे डाल सकते हो उनको दिखाने के लिए कि भाई मैं एक डिज़ाइनर हूँ जो कि मैं रिज्यूमे में डिज़ाइन डाल के दिखाया मैंने, सो ऐसी चीज़ें कर सकते हो, मतलब ट्राई आउट कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें करते रहो यार, पाँच छः रिज्यूमे बना के रखो, एक ही रिज्यूमे मत बनाओ, पाँच छः रिज्यूमे बनाओ, अलग अलग रिज्यूमे ट्राई करते रहो, कौन सा रिज्यूमे सेट हो रहा कौन सा नहीं हो रहा, वहाँ से रिसर्च करो, मतलब यार अगर आप यूएक्स डिज़ाइनर तो अपने आप पे भी रिसर्च कर सकते हो। सही बात है, मल्टीपल रेज्यूमे बनाओ, उनको पोस्ट करो, देखो कहाँ कहाँ से हो रहा है, जहाँ से रिजेक्शन आ रहे हैं या वो रेज्यूमे सिलेक्टिंग और कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, उस रेज्यूमे को यूज़ ही मत करो क्योंकि भाई वो रिजेक्ट हो रहा है हर बार, ठीक है, मे बी वो उसको कोई देख ही नहीं रहा, उस रेज्यूमे को यूज़ ही मत करो ना, तो ऐसे करके मान लो रिसर्च कर सकते हो। सही बात है, एक क्वेश्चन है कि लाइक कम्युनिकेशन किस हिसाब से लाइक ज़रूरी होता है और आप इम्प्रूव करने के कुछ आइडिया दो लाइक क्योंकि टीयर थ्री और टीयर टू के सिटी लोग लाइक डिज़ाइनर या फिर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। यार एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैंने ना मेरे पिछले पॉडकास्ट में बोला था एंड मैं बताता हूँ कि
आप ना चाहे कितने भी खतरनाक डिजाइनर क्यों ना हो, आपकी स्किल्स भाई एकदम खतरनाक है, मान लो आपका जैसा यूआई कोई नहीं बना सकता, आपका जैसा यूएक्स कोई नहीं बना सकता, आपके सॉल्यूशन एकदम पिन पॉइंट है, मैं बोलता हूँ भाई परफेक्ट है आपके सॉल्यूशंस, मैं ये बोलता हूँ ठीक है, बट अगर आप उस सॉल्यूशन को बता नहीं पा रहे हो ना अपने मैनेजर को, अगर आप आपके डिजाइन को कन्वे नहीं कर पा रहे हो कि आपने डिजाइन क्यों बनाया एंड क्या रीजंस था इसके पीछे, क्या नहीं था, तो भाई वो डिजाइन ना मतलब फिर फीका पड़ जाएगा, चाहे वो सिलेक्ट कर लीड आपका लीड, चाहे आपका लीड आपको उसको अप्रूव कर दे कि ठीक है भाई इसको डन कर दो, बना दो, डेवलपर को दे दो, मेरी तरफ से डन है, बट उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा आपके लीड के दिमाग में जितना आप एक नॉर्मल यूआई बना करके उसको पूरा कन्वे या समझा करके अच्छे कम्युनिकेशन के साथ तब कर सकते हो। सो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भाई बात है कि भाई कम्युनिकेशन करोगे कैसे, सबसे बड़ा मैटर ये है कि भाई मैं कैसे ये चीज सीखूं कि मैं कैसे मैं बता पाऊंगा मेरे डिजाइन या लीड को या मैनेजर को। पहले ना अपने आप को बताना सीखो, ठीक है, सही है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं ना खुद सबसे पहला मान लिया क्या करता हूँ ना, मैं एक काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन बना दूँ, मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ खुद, कॉपी पे पॉइंट्स लिख लिए डिजाइन किसी डिजाइन के बारे में, ठीक है पहली स्क्रीन पे ये बनाया मैंने, दूसरी स्क्रीन पे ये बनाया, तीसरी स्क्रीन पे बनाया, ऐसे सब बनाया कॉपी में पॉइंट्स लिख लिए। अब मैं उसको खुद को ही मैं रिपीट करता रहूँ, ठीक है फर्स्ट स्क्रीन में ये था तो इसलिए मैंने क्यों बनाया, फिर मैंने इसलिए बनाया, यहाँ से ये डिज़ाइन लेके आया मैं, यहाँ से ये थॉट लेके आया, फिर मैंने ये बनाया, ऐसे करते करते मैं 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर मैं ये भी, फिर मैं मेरे लीड के दिमाग से सोचता हूँ कि भाई मेरा लीड ये पूछ सकता है कि भाई अपने डिजाइन सिस्टम में तो ऐसा नहीं, तो तुमने ऐसा क्यों बनाया, इसमें ऐसा था पिछली बार तुमने ये डिजाइन बनाया था, अब तुमने ये डिजाइन बना दिया है, ऐसा क्यों भाई, ठीक है। सो फिर मैं उसके दिमाग के हिसाब से सोचता हूँ कि वो भाई वो बंदा ऐसे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर मैं उस क्वेश्चन के आंसर मेरे पास प्रिपेयर रखता हूँ कि अगर मेरे से किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा, ठीक है। तो जब ऐसे स्टार्ट करोगे ना तो थोड़ा फिर ना आपके पास क्वेश्चंस के आंसर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पास वर्ड्स आएंगे कि आपको क्या क्या वर्ड्स बोलने होते हैं अगर कोई क्वेश्चंस पूछे। अब आप मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपके आसपास में ना आपके कलीग्स बैठते हैं, ठीक है दोस्त वगैरह बैठे हैं और जो काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं मेरे कलीग को पकड़ लेता हूँ कि भाई आ जा इधर आ, मेरा डिजाइन देख, ठीक है। अब वो एक नॉन डिजाइनर फ्रेंड है, मेरे साइड में बंदा बैठता फर्मवेयर वाला, ठीक है वो कोडिंग करता भाई पूरे सारे दिन, वो बंदा आएगा डिजाइन देखे, मैं डिजाइन बता भाई, फिर मैं उससे पूछता हूँ क्या तेरे को कैसा फील हो रहा है इस डिजाइन को देख करके, वो बोलता कि ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई ये भी मैं भी ऐसा सोच रहा था, तो दोनों को सेम फील हो रहा है। फिर वो मेरे से क्वेश्चन पूछता है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मेरे से क्वेश्चन पूछ कि ऐसा क्यों करा वैसा क्यों करा, फिर मैं उसको बताता हूँ कि मैंने ऐसा इसलिए इसलिए करा। 10-15 मिनट का कन्वर्सेशन होता है फटाफट, ना उसका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उससे क्या है ना अब मेरे को पता लग जाएगा ठीक है भाई जो मैंने जो प्रिपेयर कर रहा है वो सामने वाले को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है सो यही चीज़ करो भाई, पहले खुद को समझाना स्टार्ट करो कि आपने ये डिज़ाइन क्यों बनाया, सबसे पहला काम। दूसरा काम नोट्स बना लो थोड़े, इनिशियली नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है, तो आपके पास ना वर्ड्स आते रहेंगे, वोकैबुलरी बनती रहेगी अच्छी अच्छी, उसके बाद तो जब प्रैक्टिस होते हैं तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा अपने फ्रेंड्स को या क्लीग्स को पहले अपने डिज़ाइन डिफाइन करना चालू करो, उसके बाद कि ठीक है भैया मेरी अब मेरा भाषण सुनो इस डिज़ाइन के ऊपर, पूरा बोर कर दो उनको, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ऑफकोर्स भाई वो लोग हैं उनको यूज़ करो, इंस्टेड ऑफ कि भाई तुम लीड के सामने जा करके वहाँ पे म्यूट हो जाओ ब्लैंक हो जाओ, उससे बेटर है कि भाई तुम अपने क्लीग के साथ तुम टाइम पास कर लो अपना बोल बोल करके ना, सो वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है, सो ये सब कर सकते हो। और एडिशनल ये भी करो कि आई थिंक ना पहले मेरे को इतना अच्छा नहीं आता था बट अभी मेरे को थोड़ा अच्छा डिज़ाइन कम्युनिकेशन आता है क्योंकि मैं ना बुक्स पढ़ना चालू करा, मैंने एक साल कुछ आसपास हुआ है सो मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, सो बुक्स से आपको एक नॉलेज मिलता है जो कि एक कन्वेबल नॉलेज होता है, आप किसी को कन्वे करना चाहते हो तो वो वर्ड्स आपको मिलते हैं, वो कैब आपकी बड़ी होती है, इंग्लिश आपकी बड़ी होती है, सो बुक्स आप पढ़ सकते हो, कोई भी बुक पढ़ लो यार, डिजाइनिंग से रिलेटेड हुक्ड हो, एवरीथिंग इन डिजाइन हो, दिस इज अबाउट मार्केटिंग, दिस इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स, ऐसी बहुत सारी बुक्स है, उन सबको पढ़ो,
बस ये सब चीजें से आपको कम्युनिकेशन लाइक बेसिक लेवल से लाइक इंग्लिश इंप्रूव करना है तो किस हिसाब से आप कुछ टिप्स देना चाहोगे? हाँ इंग्लिश देखो ऐसे ही कि अपने आपको फोर्स कर लो कि भाई मैं बोलूंगा इंग्लिश में बोलूंगा, मैं नहीं बोल रहा भाई हिंदी। मूवीज देख सकते हो इंग्लिश सबटाइटल के साथ, वैसा कर सकते हैं। हाँ मूवीज भी देख सकते हो। मूवीज में मतलब मोस्टली कैसे होता है ना, पहले मैं भी ये सोचता कि मूवीज देख लूंगा तो इंग्लिश आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, मैं मना नहीं कर रहा। उसमें फिर थोड़ा एक्सेंट का फर्क पड़ जाता है, तुम फिर ना वही एक्सेंट में बात करने का ट्राई करते हो, उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो आई वुड से कि बुक्स पढ़ना चालू करो, बुक्स पढ़ोगे तो अच्छा थोड़ा इंग्लिश आपको समझ में आएगी, आपको थोड़ा कन्वेबल मतलब कम्युनिकेटेबल इंग्लिश समझ में आएगी, क्योंकि वो लिखी हुई दिखती है, आप उसको पढ़ते हो फिर वो थोड़ा अच्छा बेटर रहता है। सो आई थिंक बुक्स मेन तो स्पेलिंग का एक खेल होता है कि जितने आपको लाइक वर्ड एंड स्पेलिंग आप मैक्सिमम अपना लाइक माइंड में भर सको उतना ले लो, स्पेलिंग जितना सीखना सीख सको उतना सीखो, बाकी तो सब ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। लाइक जैसे आप कल्चर में जाओगे इंग्लिश सब बोलने वाले होते हैं वहाँ पे। राइट राइट राइट। हाँ वही है कि आपके पास वोकैब होना चाहिए अच्छा, जितना अच्छा वोकैबुलरी होगी आपकी आप फिर अपना वर्ड सेंटेंस सब कुछ बनता जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। तो आखिरी क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ, लाइक फ्रीलांसिंग किस हिसाब से वहाँ पे होता है बेंगलोर में, या फिर आप किस हिसाब से करते हो फ्रीलांसिंग वगैरह कुछ? मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ बट अभी मैं बहुत कम कर रखा है। एक दो साल पहले मैं फुल टाइम फ्रीलांस करता था तो मैंने कैसा किया था कि मैंने फेसबुक ग्रुप से कुछ क्लाइंट्स उठाए थे एंड वही क्लाइंट्स मान लो मेरे अब तक चल रहे हैं। तो यूआई यूएक्स के क्लाइंट वहाँ से उठाए थे डिजाइनिंग के? हाँ हाँ हाँ, फेसबुक ग्रुप से मैंने उठाए थे एंड एक क्लाइंट मैंने उठाया था लिंक्डइन से ही, दे पोस्टेड अबाउट यूआई यूएक्स डिजाइनर फॉर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेस। सो पहले उनका काम हुआ, नाउ आई एम वर्किंग फॉर देम लाइक एज अ काइंड ऑफ फ्रीलांस, फुल टाइम फ्रीलांस, कि अगर कोई भी उनकी कंपनी का काम होता तो वो काइंड ऑफ मेरे पास आ जाता। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लिंक्डइन भी है, एक पीपल पर आवर करके वेबसाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है, फाइवर वर्क अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गया है, काम नहीं मिलेगा फाइवर पे उतना नहीं चलता क्योंकि फाइवर पे तो मेरा भी ऑलरेडी प्रोफाइल है बट अभी सारी जगह पे कंपटीशन ही उतना, अपवर्क पे जाओ फाइवर पे जाओ कहीं पे भी जाओ कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, अंधा कंपटीशन है भाई, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यार वो सारी चीज़ें। आई थिंक वहाँ पे भी फील होती होगी बेंगलोर में भी, भले ही आई टी का हब है वो कंपटीशन भाई हर जगह है, कहीं चले जाओ कंपटीशन हर जगह है, लोग आपका पैसा खाने के लिए सबसे ज़्यादा आगे बैठे हैं। अब कैसे होता नहीं कि अभी और मैंने देखा कि मान ले फेसबुक पे किसी ने पोस्ट करा कि आई नीड अ लोगो माय बजट इज $50 कोई मान लो ऐसे बोल रहा है, भाई नीचे बंदे बोलते हैं कि आई कैन डू इट फॉर $10 $5 $4 मैं कहा भाई एक काम कर, मैं कहा भाई उस बंदे को $50 दे रहा वो, मैं कहा तू से $10 में काम क्यों कर रहा भाई भाई ऐसे लोगों की वजह से ही मतलब ये इशू होता है कि मार्केट पूरा खराब हो रखा है फ्रीलांस का, प्राइसेस पूरा खराब हो रखा है फ्रीलांस का। सही भाई, और वो बंदा ऐसा नहीं सोचता कि वो बंदे का एक्सपीरियंस क्या है, उसका स्किल सेट क्या है जो काम देने वाला होता है वो। हाँ वही है यार, लोगों को मैटर ही नहीं करता भाई क्या मतलब, अब वही बात है सामने वाले ने भाई 50 का बजट रखा तो उसका 10 में काम हो रहा है, बोले क्या ही है बोले जैसा लोगो मिल रहा ले लो कटाओ $40 तो बच ही रहे हैं भाई उसके, वो चीजें। सही बात है, बढ़िया लगा। तो आई होप लाइक सब ठीक ठाक हो रहा है बट अच्छा बढ़िया सा पॉडकास्ट निकल गया हमारा, मेरा तो फर्स्ट टाइम ही था, काफी सही निकल गया। आगे लाइक सोचेंगे प्लान करेंगे कि और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें बट आई थिंक अभी के लिए तो एंड। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे को भी इंक्लूड करने के लिए इसमें